फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कंपनी क्रिएट करने से पहले और कंपनी क्रिएट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। वैद्य, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर में। अगर आप अकाउंट्स और टेली के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे टेली क्लास की आने वाली हर नई नई वीडियो का मैसेज आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो वह शुरू कर दें टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करना। सबसे पहले हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा, यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन का। तो कुछ फीचर्स हमारे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर होंगे, सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन, रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट के। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हम इन ज़्यादा टेक्निकल फीचर्स पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि इन सभी फीचर्स को हम एक एक स्टेप टू स्टेप समझेंगे बारीकियों के साथ, लेकिन अभी हमें केवल इम्पोर्टेंट ही समझना है और उन इम्पोर्टेंट में से एक है सेलेक्ट कंपनी और एक है क्रिएट कंपनी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेलेक्ट कंपनी की तो सेलेक्ट कंपनी के अंदर अगर हमारे इस सिस्टम के अंदर यानी कि इस टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ऑलरेडी कोई कंपनी हमारे द्वारा क्रिएट करी जा चुकी है तो उसका नाम हमें लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर शो होएगा। लेकिन अभी आ रहा है नो कंपनी ऑन डिस्क, इसका मतलब भी हमारी इस कंपनी के अंदर यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे क्रिएट कंपनी के फंक्शन पर और यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो गाइस, ये हमारे सामने आ जाएगा क्रिएट कंपनी का फीचर, यानी कि हम कंपनी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें कंपनी क्रिएट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें चेंज करनी पड़ती है, वो है हमारी डायरेक्टरी। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत से सारे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube पे वीडियो देख के कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, इन्वेंट्री क्रिएट करना, वाउचर पोस्टिंग करना सीख लेते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते और बहुत से सारे यूट्यूबर इन चीज़ों को बताते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से समझना, चाहे आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, चाहे आप नॉन कॉमर्शियल हो, जो अकाउंट्स के फ्रेशर स्टूडेंट हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब भी इस कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो हमारा इस लोकेशन पे सेव होने जा रहा है, यानी कि सी ड्राइव यूजर स्लेव के अंदर टेली आर पी 9 का फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर डाटा, यानी कि हमारा जो डाटा है वो सी ड्राइव के अंदर सेव होएगा। और हम सभी को पता है भी हमारे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव के अंदर ही होता है ऑलमोस्ट। और जिस दिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज जिस दिन क्रैश होगी उस दिन हमारा डाटा भी उठ जाएगा, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर का डाटा भी क्रैश हो जाएगा और हमारी जो भी हमने कंपनी के अंदर इतनी मेहनत से वाउचर पोस्टिंग की थी वो हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है भी हम कंपनी क्रिएट करने से पहले हमारा ये सी ड्राइव से अगर लोकेशन है वो हमको यहाँ से हटा लेनी चाहिए, यानी कि सी से अलावा किसी अदर ड्राइव के अंदर सेव कर लेनी चाहिए, डी ई एफ जो भी हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है। तो हम इसको हटाएंगे कैसे इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके बटन से वापस बैक आ जाएंगे। जैसे हम बैक आएंगे तो हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो हमने सॉफ्टवेयर ओपन करते वक्त हमारे पास आई थी कंपनी इन्फॉर्मेशन की। और कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद और हमारे सामने यहाँ पे आएगा एक F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फीचर। इस कॉन्फ़िगरेशन फीचर पे हम चाहे तो माउस से यहीं से क्लिक करके इस फंक्शन को खोल सकते हैं, चाहे तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करके फंक्शन को ओपन कर सकते हो। तो ये हमारा कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन विंडो खुलेगी। इस कॉन्फ़िगरेशन विंडो के अंदर हमें जाना पड़ेगा डेटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे हम डेटा कॉन्फ़िगर अंदर आएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुलेगा डेटा ऑफ लोकेशन फाइल, ये वाला लोकेशन ऑफ डेटा फाइल। अब ये जो लोकेशन होता है ये टेली सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली बना देती है, लेकिन हमें इसको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डाटा सी यू में हमें सेव नहीं करना और कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारी विंडो क्रैश होएगी वो सी ड्राइव में होती है तो हमारा डाटा भी लैप्स होएगा। तो मैं इसको हटा के यहाँ से सी से हटा के किसी अदर ड्राइव में डाल देता हूँ, तो यानी कि इसको मैं यहाँ से सी से हटा के डी ड्राइव कर देता हूँ। अगर हम चाहें भी इस पाथ को थोड़ा और शॉर्ट किया जाए तो हम चाहें तो इसके जो यूज़र एक्स्ट्रा फोल्डर इसके अंदर बन रहे उसको हम हटा देंगे। अब इंटरप्रेस करेंगे तो अब हमारे जो लोकेशन रहेगा डाटा का वो
हमारे सिस्टम के अंदर डी ड्राइव, उसके अंदर टेली ERP9 का फोल्डर और उसके अंदर हमारा सब फोल्डर डेटा के नाम से, और हम इसको एंटर एंटर प्रेस करके सेव करके आ जाएंगे। और हमें पूछेगा डू यू वॉन्ट रिस्टार्ट टेली ERP9 टू चेंज ऑफ इफेक्ट, यानी कि अभी आपने जो चेंजिंग करी है उसको आप इफेक्ट अभी से चालू करना चाहते हो क्या? तो हम अभी से इफेक्ट चालू करना है तो इसको वाई, चाहे अपने वाई प्रेस कर दो चाहे एंटर प्रेस कर दो। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे वापस हमारे सामने ये फंक्शन आ जाएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन का, और अब हम करेंगे क्रिएट कंपनी। जैसे हम क्रिएट कंपनी करेंगे तो अब हमारे सामने जो डायरेक्टरी का फंक्शन है वो डी चेंजिंग हो गया, यानी कि पहले सी ड्राइव यूजर आ रहा था, अब केवल डी टेली ERP9 सिलेक्ट डाटा का आ गया। और अब हमारी कंपनी क्रिएट करेंगे श्री श्याम ट्रेडर्स, जो हमने शुरुआत में मैनुअली जब जर्नल एंट्रियां बनाई थी उस वक्त हमारी कंपनी में लेके आए थे। और उसके बाद हमारे पास फंक्शन आएगा मेलिंग नेम का। मेलिंग नेम हम चाहें तो इसके अंदर शॉर्टकट नाम भी दे सकते हैं SST, यानी कि श्री श्याम ट्रेडर्स, और हम श्री श्याम ट्रेडर्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारी कंपनी का एड्रेस, जिस एड्रेस पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, शॉप नंबर 10 राइसिंग नगर और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, ये हमारा एड्रेस डाल दिया जिस एड्रेस पे हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। कंट्री हमारी इंडिया, स्टेट हमारा राजस्थान, पिन कोड हमारी यानी कि एरिया का पोस्टल कोड 53-51। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हमारी कंपनी संबंधित जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको मॉडिफाई करके बाद में भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो हमारे लिए ये रहता है, विशेष कर एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए, बुक्स एंड फाइनेंशियल डिटेल, यानी कि हम कौन से फाइनेंशियल का वर्क करने जा रहे हैं और हमारी बुक्स यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने की डेट क्या है। फ्रेंड अभी आपके सामने जो डेट आ रही है 1 अप्रैल 2020, यानी कि ये टेली सॉफ्टवेयर ने बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ही पिक कर लिया हमारे सिस्टम की डेट से। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है भी हमने कौन से फाइनेंशियल का वर्क करना है, हमें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का करना है या 18-19 का करना है या 17-18 का करना है, कौन से ईयर का वर्क शुरू करना है। तो अब हमें पता है भी हमने जो जर्नल एंट्रियाँ करी थी वो हमारी 2019-20 की सेशन शुरू किया था, तो यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाला है। और हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपने बिजनेस कब से शुरू किया या आपने अपने बुक्स लिखने कब से शुरू करी है। तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर तो हमें पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और हमेशा 31 मार्च तक चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है भी हमारा बिजनेस भी 1 अप्रैल को ही शुरू होता है। बिजनेस का अप्रैल अगर हमने 2019-20 के अंदर दौरान कोई बिजनेस नया शुरू किया है तो वो अप्रैल में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है और मार्च में भी हो सकता है। जिस दिन और जिस मंथ के अंदर हमने बिजनेस शुरू किया था वो डेट हम डाल सकते हैं। अगर हम 1/4/2019 भी यहाँ पे रहते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो क्या विशेषकर हमें एक फाइनेंशियल ईयर का विशेष ध्यान रखना है, हमें 31/3/2020 की डेट कहीं पे भी नहीं प्रेस करनी किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। हमें केवल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी शुरुआत हमें करनी होती है। जैसे हमने 1/4/2019 प्रेस कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझेगा, अभी 31/3/2020 को ऑटोमेटिकली सेशन इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें इंटर डेट कहीं भी इंटर नहीं करनी 31/3/2020। विशेषकर जो अकाउंट्स के फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर यही गलती कर देते हैं भाई, यहाँ पर जो डेट आ रही है बुक बिजनेस की यहाँ पे 31/3/2020 को प्रेस कर देते हैं। अब 31/3/2020 का अगर डेट हमने प्रेस कर दी तो इसका मतलब ये हो गया भी आपने बिजनेस 31/3/2020 में शुरू किया है और हमारी जो बैक डेट की जो एंट्री है वो हमारे से नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें 31/3/2020 से कहीं पे भी नहीं प्रेस करना। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल का, टेली वैलिड पासवर्ड। अगर हम हमारे टेली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटेक्शन के लिए अगर पासवर्ड लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, जैसे हम हमारे मोबाइल पे पैटर्न लॉक या पिन कोड जैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल को, उसी तरीके से हम हमारे टेली फिक्शन के अंदर भी हमारे श्री श्याम ट्रेडर्स फर्म को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के द्वारा। अगर हमें पासवर्ड लगाना है तो हम टेली वैलिड पासवर्ड पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड यूज़ करेंगे। हमने टेली वैलिड पासवर्ड यूज़ क्यों नहीं किया इसके फंक्शन में भी आपको बताऊंगा, लेकिन हम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो हमें से पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दे दिया श्याम, और पासवर्ड 123, और रिपीट पासवर्ड में भी 123। तो
जैसे ही हम रिपीट पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल के इंटर प्रेस करेंगे तो टेली सॉफ्टवेयर हमें एक वार्निंग देगा। अब इस वार्निंग के अंदर हमें ये सूचना दे रहा है कि आपने जो भी यूजर नेम या पासवर्ड आपने बताया है भी वो आप कहीं पे नोट करके रखें, ताकि कल को आप किसी यूजर आईडी या पासवर्ड भूल जाओ तो आप उस बुक्स में देखें वापस यहाँ पे लगा दें। अगर आप भूल गए तो हो सकता है आपका डाटा लैप्स हो जाए, आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ सकती है। ये यूज टेली ऑडिट फीचर्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये टेक्निकल फीचर है, तो हम इसके बाद में बात करें जब हम टैक्सेशन के मैटर पे जाएंगे। अगर हम बात करें बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन की, तो ये हमारी इंडियन करेंसी का लोगो रहता है और फॉर्मल नेम हमें INR यानी इंडियन रुपीज हम यूज़ करेंगे। और सरफेस ये भी हम इस मैटर पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, सरफेस और ये प्रीफिक्स क्या चीज़ होता है ये वाउचर में पोस्टिंग करेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। ये हमारे टेक्निकल फीचर है, लेकिन अब बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, तो केवल हम उसी चीज़ को समझेंगे जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी एक बार इसको मैं एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये कंपनी पूछेगा श्री श्याम, नेम ऑफ यूज़र और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम जो हमने लगाया था श्याम और पासवर्ड 123, और इसको एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा गेटवे टेली का, और जो प्रेजेंट टाइम के अंदर टेली के अंदर जो कंपनी ओपन रहती है उसका नाम हमेशा यहाँ पे शो होता है, नेम ऑफ कंपनी का, और ये हमारा करंट पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31/3/2020 तक का। अब 31/3/20 जो डेट है इसने ऑटोमेटिकली ही पिक कर ली, और ये हमारी करंट डेट 1 अप्रैल 2019 की, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि अभी तक हमने किसी भी टाइप का कोई वाउचर एंटर नहीं किया, यानी कि अभी तक हमने केवल कंपनी क्रिएट ही करी है, बिल्कुल शुरुआत ही है। और ये हमारे सामने फंक्शन खुलता है गेटवे टेली का। अब गेटवे टेली यानी कि हमारी टेली का होम पेज, अब इसको होम पेज भी बोल सकते हैं, स्टार्टअप पेज भी बोल सकते हैं, या टेली का फर्स्ट पेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की अब जो भी शुरुआत होगी अब इसके आगे जाएगी, अब इससे पहले कुछ भी नहीं है। पहले अगर एस्केप करेंगे तो सीधा कंपनी हमारी क्विट ही होगी, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा। अगर हमें किसी भी फंक्शन से बैक साइड आना हो तो हमें एस्केप की का यूज़ करेंगे, और फंक्शन से आगे जाने के लिए इंटर बटन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड हम वापस अगर हम सॉफ्टवेयर एक बार हम क्लोज कर देते हैं, और जैसे हम दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो अब हमारे सामने वापस इसी तरीके का एक इंटरफेस वापस खुलेगा, और अब करने की जरूरत नहीं। अब हम जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पे, और हमारी फर्म का नाम श्री श्याम टेटा समय यहाँ से होगा, और ये हमारे कंपनी का कोड होता है। अब कल को इस सिस्टम पे आके बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट और भी होंगे जो इस पे आके श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम से और भी फर्म बना सकते हैं, 10-15-20 जितनी मर्जी सेम नाम की कंपनी क्रिएट हो सकती है, लेकिन सभी के अंदर ये जो कोड हमको दिख रहा है ये सभी का डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं हो सकता। यानी कि इसके अंदर 10000 जो कोड आ रहा है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी क्रिएट इसके अंदर होगी इसका 1001 बनेगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये कंटिन्यू क्रिएट होता जाएगा। तो हमें हमारे कोड के थ्रू पहचान रखनी है, श्री श्याम ट्रेडर्स इसके अंदर और भी हो सकती है, लेकिन हमें हमारा कोड याद रखना भी, हमारी फर्म का जो कोड है यानी कि कंपनी का कोड है वो 1400000 वाली हमारी फर्म है, वो जो 1 है या किसी और की हो सकती है। तो ये विशेषकर हमें ध्यान में रखना है इस कोड का, हमें कोई नाम से पहचान नहीं करनी, नाम इस कंपनी में और भी बन सकता है, सेम नाम की कंपनी जितनी मर्जी चाहे वो आप टेली के अंदर क्रिएट कर लो, लेकिन कोड सभी का बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें भी ये डाटा हमारा कहाँ जाके सेव हुआ है कंपनी का, तो हमें इस लोकेशन से पहचान करनी पड़ेगी DTELI ERP9/data। और अब हम हमारे जाएँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो ये हमारी डी ड्राइव, अब इसको हम ओपन करेंगे, और इसके अंदर TELI ERP9 का फोल्डर, और इसके अंदर डेटा का फोल्डर, और ये जो हमारी कंपनी का जो कोड क्रिएट हुआ था 1000 वो कोड यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ हमारी फाइलें बनेंगी। अब इसको हम यहाँ से रीड करके कुछ नहीं बता सकते भी किस फाइल के अंदर क्या चीज़ है, इसको केवल टेली सॉफ्टवेयर ही रीड कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा डाटा लोकेशन इसके अंदर सेव हो जाता है, और हम वापस इसी को अगर सेलेक्ट कंपनी पे क्रिएट करेंगे इंटर प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा नेम ऑफ यूज़र, हम वापस प्रेस करेंगे श्याम 123, तो इस तरीके से हम वापस हमारी कंपनी के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें टेली कंपनी के स्टार्टअप में सिर्फ हमें दो चीज़ का ही ध्यान रखना है, विशेषकर नंबर 1 हमारी टेली की जो डायरेक्टरी है, और सेकेंड जो हमारा
टेली का जो कंपनी का जो कोड होता है, जो हमने अभी देखा था 1000 आया है उस चीज़ का। और एक और चीज़ है जो हमारा सबसे ध्यान में रखना है, कंपनी क्रिएट वक्त जो हमें करना है वो हमारा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब भी कौन सी ईयर का हम वर्क करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझे तो किस तरीके से समझेंगे, हम इसको बात करते हैं। भी मान लीजिए अब हमारे सामने किसी पार्टी का कोई इनवॉइस है और उस इनवॉइस के ऊपर हमारी डेट है 21/3/2006, यानी कि किसी ने हमको इनवॉइस दिया उसके ऊपर डेट है 21/3/2006 की, और हमको बोल दिया जाए भी आप इस इनवॉइस को देख के कंपनी क्रिएट करो। तो फ्रेंड्स हमें जो फाइनेंशियल ईयर जो देना होता है, अब मैं ये फाइनेंशियल हमारा कौन सा हो गया 2005-06 का, क्योंकि 21 दिन का इनवॉइस है, इसका मतलब 31 मार्च 2006 को सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये शुरुआत कब हुई थी, 1/4/2005 को, यानी कि 1/4/2005 हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। अब इस फाइनेंशियल को हम बोलेंगे 2005-06। तो इस तरीके से इन्वॉइस की डेट हमें पहचान करनी है भी इन्वॉइस पे डेट क्या है, और उसी डेट पे देखना भी वो कौन से पीरियड के दौरान है। अगर ये डाटा अगर हमारे पास आ जाता, अगर हम इन बात करें इसकी, अगर हमारे पास कोई इन्वॉइस है उस पे डेट आ जाए भी 24/4/2006, इस टाइप का इन्वॉइस है, इन्वॉइस पे डेट ये लगी हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा 2006-07, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2006 से शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2007 तक चलेगा। इस दौरान जो भी हमारे पास इनवॉइस आएगी उस पर अगर इस टाइप की किसी भी डेट होगी तो हमारा सेशन है जो 2006-07 का ही रहेगा। ये विशेष कर में ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो अपने रीनेम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर फाइनेंशियल ईयर अगर गलत पोस्टिंग हो गया वहाँ पे, अगर 2000 जैसे हम 19 डाला से गलती 2020 अगर प्रेस कर देते वहाँ पे, तो उसको थोड़ा चेंज करना उसको थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें विशेषकर ये चीज़ फाइनेंशियल ईयर का विशेष ध्यान में रखना है, वो हमारा बिल्कुल सही पोस्टिंग हो। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे भी इस टेली कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री कैसे बनती है, और वाउचर कैसे पोस्टिंग होते हैं, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट के वाउचर हमारे कैसे पोस्टिंग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेली की क्लास नंबर 2 में।